रीवा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चला रहा है। इसी क्रम में रीवा पुलिस ने कार को रोककर उसकी तलाशी ली, जिसमें गुप्त रूप से बनाए गए बॉक्स को खोलने पर गांजा बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस ने कार सवार चार युवकों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा मुख्य गांजा तस्कर तक पहुंचने के लिए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। कार्रवाई के संबंध में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने बताया कि अभियान के तहत तो गुप्त सूचनाएं मिल रही हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। नशा मुक्ति अभियान के तहत लगातार हम लोगों के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसमें इनपुट भी काफी संख्या में आम पब्लिक द्वारा मिल रहा है। इसके तहत कल थाना लौर क्षेत्र में एक सियाज गाड़ी में गांजा पकड़ा गया है। 43 केजी इस गांजे की मात्रा है। उन लोगों ने, चार आरोपी जो पकड़े गए हैं, उन्होंने पिछली सीट में नीचे कोई बॉक्स बनवा के उसमें गांजा रखने की, छुपाने की व्यवस्था कर रखी थी, जो कि सूचना परफेक्ट थी, तो हम लोगों ने उसको पकड़ा है। और अभी चारों जो लड़के हैं उनका निकाला जा रहा है रिकॉर्ड, इस थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं।